हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीत सेशन हिंदी। हाय शिवम कुमार, वेलकम यू फ्रॉम इंडिया इन द राग भैरवी पार्ट टू, राग भैरवी ट्यूटोरियल ऑन माय चैनल संगीत सेशन हिंदी राग सेशन। हेयर आई गो विद बंदिश एंड आई हैव लिटिल बिट चेंज इन राइटिंग पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन ऑफ माय स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएसए, Mr. Harry, who gave me this idea to write these bandish in English pattern according to the notation and wording both in the English. The bandish is in teen taal. First of all, I will tell you about the bandish. Bandish is in teen taal, two lines in starting and two lines are in antara, or we can call it stanza. So the main bowl of bandish are, I will tell you, the bowls are dagar chalat chhede shyam sakhiri, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी। दीज आर द टू लाइन्स फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड स्थाई। डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी। नाउ द अंतरा स्टैंजर्स लाइन आर पनिया भरत मोरी गागर फोड़ी, पनिया भरत मोरी गागर फोड़ी, ना हक बैया मरोड़ी झक झोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द वर्डिंग्स, नॉट अबाउट द स्वर, जस्ट अबाउट द वर्डिंग, दैट हाउ आई राइट दीज वर्ड इन इंग्लिश लाइक श्याम। सो हैरी, यू मस्ट फोकस ऑन दैट एंड ऑल ऑफ यू आई मस्ट से दैट जस्ट फोकस ऑन दैट, दैट हाउ वी कैन राइट एंड हाउ आई कैन राइट अगेन एंड अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ द राग्स। सो आई यूज डगर डा डी ए ग यानी ग जी ए र रा in Hindi, dagar cha cha, cha is pronounced in English cha, cha lat la a and la lat chede che che chede de re shyam is going to write like that shyam, that is the spelling of the shyam, and according to the bandish it is breaking down shyam श्याम, सो देयर इज ए अवग्रह एंड आई हैव डिनोट द अवग्रह बाय एन लाइन लाइक दैट। तो श्याम एज यू सीइंग इन दैट श्याम स खी खी ख, इन हिंदी देयर इज अ वर्ड खा एंड इन इंग्लिश वी कैन राइट इट के एच आई ख, तो खी री दैट इज कॉल्ड खी ई री ई, तो री आर आई एंड मैं दूंगी मैं एम ए आई दूंगी डी यू एन जी आई, सो इट इज ब्रेक, इट इज ब्रेक हेयर, देर इज अ ब्रेक, दूंगी गा आरी निपट निपट, आई हैव ब्रेक द ऑल दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द बंदिश, निपट पी ए टी अ ना आ डी ई ई। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, इट इज वेरी क्लियर, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड आई मस्ट से। नाउ पनिया, पनिया पी ए एन आई वाई ए, भरत बी एच ए आर ए टी, भरत मोरी गा आ गर जी ए जी ए आर हो ओ डी री, यू कैन प्रोनाउंस डी आल्सो एंड री आल्सो फो री, तो पी एच ओ फो, ना आ हक ना आ हक एन ए एच ए के ना हक बैया बी ए आई वाई ए एन बैया एंड आई यूज द फर्स्ट लेटर कैपिटल सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वर्ड इज स्टार्टिंग राइट नाउ अंडर द दिस नोट दिस स्वर, बैया मरोड़ी झक झक झ झ इज प्रोनाउंस इन इंग्लिश रिटन लाइक दैट जे एच ए झक झो ओ री ई। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्वरलिपि, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट इज स्वरलिपि एंड द बंदिश इज इन तीन ताल, तो स्वरलिपि हैरी यू कैन सी ऑल्सो एंड दिस इज द परफेक्ट नोटेशन, यू कैन राइट इट नाउ, आई हैव जस्ट करेक्टेड ऑल द नोटेशन, so there is little bit change that I will explain you and you have to write like that if you write in English and all the viewers who wants to write in English you can write it and in Hindi there is another video regarding the Hindi, my Hindi tutorials are also provided in the Sangeet section Hindi, you can write the rag and you will get it the rag in Hindi also, write down the rag, just like Raga Savari, write down the Raga Savari on YouTube and write down the Raga Savari Sangeet section Hindi, you can get the Raga Savari full tutorial. So now coming to the point, papa padha pamapa gama, there is dugun, there is a dugun, dugun is the correct, I have checked it again, papa padha pamapa gama pani dhapa maga resa, again papa padha pamapa gama pani dhapa maga resa, as you know in the bhairavi
re ga dhani are using komal. Re ga gama, there is also change. Re ga gama, ga re sa sa, pa dha ni sa, pa dha pa pa. There is also change. Harry, you can change it. Re ga gama, ga re sa sa, pa dha ni sa, pa dha pa pa. Now, next line, start antra, first line. Gama dhani sani resa, this is from the tar saptak. Gama dhani sani resa, ni ni sa sa, re ni sa dha pa. Re nisa dhapa. Nisa is dugun. Re nisa dhapa. Now second line. Papa papa padha nisa padha pama gare sasa. Papa papa padha nisa padha pama gare sasa. Okay, now coming to the words. Dagar chalat chede shaam sakhi iri. Dagar chalat chalat chede shaam sakhi iri. Main doongi ga ari nipat anaadi. Anaadi word is a single word, but anaadi, the first A of the anaadi is coming in the third portion. Anaadi. Okay, now again repeating this word because the word is too difficult to understand. But I hope you will understand it very clearly if you watch this video full, and you will watch it very carefully. And you can write it in Hindi. And if you know the Hindi, you can write it Hindi also. Because the word are in Hindi. Dagar is the Hindi word. I have just changed the writing pattern that is in English. Okay. Dagar chalat chede shaam sakhiri. Main doongi ga ari nipat anaadi. Now coming to the antra. Paniya bharat mori ga agar phodi. And don't be confused that if I write the A, so don't pronounce like bha. It pronounce it very lightly. If I write somewhere there like that, double A, so you can pronounce a like bha, pa. So it's just simple. Paniya bharat mori gagar. Here you can pronounce gagar. Gagar phori. Naahak baiya marori jhak jhori. Naahak baiya marori jhak jhori. Now the taal portion, I will explain you that what is the taal. Taal is in teen taal, and it is starting from the khali portion of the teen taal. And sam is coming on the ninth matra in both the stanza and starting. And we have to put the tyai by singing half line. That will I will demonstrate, and I will teach you in the third part of this rag bhairavi, that is bandish gayan. And there will be part 4 also in rag vistar of rag bhairavi, so that there will be change. Rag vistar may be the part 3rd and rag bandish may be the part 4. So don't worry about that. So I hope you will like it. So please watch it and write it carefully. You can write it and you can do it. That's my promise. You can do it. And last, I will thank to Mr. Harry from New York, my student, a very good person from New York, USA. And I hope you will like it. So please share it, subscribe it. Thank you and happy learning. Love you.